सबसे पहले मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी और बहैसियत खसूसन बहैसियत एक बलूचिस्तानी उन शहीदों के घरों से जो 26 अगस्त की रात को जो लोग शहीद हुए बलूचिस्तान में, उनसे मैं बतौर एक पाकिस्तानी बतौर एक बलूचिस्तानी ताज़ियत भी करता हूँ, उनसे माजरत भी करता हूँ। ताज़ियत इस हवाले से कि ये एक अंदनाक वाकया था, और माजरत इसलिए करता हूँ कि मैं एक बलूचिस्तानी होने के नाते उनका कुछ मदावा ना कर सका। सबसे पहली बात यह है कि चेयरमैन साहब, हमारे मुल्क में जो भी हालात आजकल हैं, इन हालात को अगर हम देखें तो बलूचिस्तान इन हालात में सबसे ज़्यादा ज़ेरे असर भी है इन हालात का, और सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड भी है। बलूचिस्तान का जो मसला है मिस्टर चेयरमैन, सबसे पहली बात यह है कि आज इस फोरम पर खड़े होकर मैं ये कहना चाहूँगा या ये पूछना चाहूँगा अपने कौम से, अपने लोगों से, क्या बलूचिस्तान का कोई मसला है या नहीं है? दो चीज़ें हो सकती हैं, या मसला होगा या मसला नहीं होगा। अगर मसला नहीं है तो फिर हम इस पर बहस या इस पर बातें फजूल में कर रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कौम का पैसा, कौम का टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अगर ये मसला है तो फिर इस मसले का हल तलाश करना चाहिए हमें। दुनिया में जितने भी मसाइल आज तक आए हैं उनका हल भी अल्लाह ताला ने उन मसाइल का साथ भेजा है, लेकिन उन मसाइल को एड्रेस करना, उन मसाइल को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से उन मसाइल का हल ढूंढना, ये कौमों की ज़िम्मेदारी होती है। मैं अगर ये बात कहूँ कि ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का है या ये मसला सिर्फ बलोच का है या बलूचिस्तान में रहने वाले अकवाम, बलोच पश्तून अकवाम का है, तो ये गलत होगा। ये मसला पूरे पाकिस्तान का है। इस मसले से जो पिछले दिनों ये वाकया जो हुआ, उसके बाद सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इससे रिलेटेड जो आम हमारी महफिलें या हमारे आम जो बैठक होते हैं उनमें ये बात सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट की गई, हाईलाइट की गई। एक स्पेसिफिक एक कौम को उसमें टारगेट किया गया, माजरत के साथ ये मुझे बोलना नहीं चाहिए कि पंजाबी बोलने वाले या पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इसमें टारगेट किया गया। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। अगर इसके असरात देखे जाएँ तो इसमें डायरेक्ट बलोच कौम को टारगेट किया गया। अगर इसके असरात देखे जाएँ तो इसमें डायरेक्ट बलूचिस्तान को टारगेट किया गया। अगर इसके असरात देखे जाएँ तो इसमें डायरेक्ट बलूचिस्तान में रहने वाली जितनी अकवाम हैं, बलोच पश्तून जितनी अकवाम हैं, उनको टारगेट किया गया। वो जो लोग शहीद हुए, जिन लोगों को शहीद किया गया, उनके घरानों पर तो ये आफत टूट पड़ी, उनके घरानों पर तो ये कयामत टूट पड़ी, लेकिन इसके जो नफ़रत के असरात हैं वो बलूचिस्तान पर पड़ रहे हैं। इसके जो मनफी असरात हैं वो बलोचों पर, पश्तूनों पर पड़ रहे हैं। चंद लोगों की वजह से, चंद लोगों की हरकतों की वजह से पूरे एक सूबे को जो है नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है। क्या कभी किसी ने इस बारे में सोचा है कि इसके असरात, हम किस तरफ इसके असरात लेके जा रहे हैं? इसके बदले में हमारे, माजरत के साथ, हमारे वज़ीर दाखला साहब कहते हैं कि ये एक SHO की मार है। ये बातें करके आप इसके जो असरात हैं वो किस पर पड़ेंगे? आपका क्या ख्याल है कि ये जो जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जो इस मुल्क के दुश्मन हैं, जो इस मुल्क के दहशतगर्द हैं, वो आपका क्या ख्याल है कि इसके बाद ये हरकतें या इस तरह के इकदाम क्या पंजाब में करेंगे? क्या वो ये हरकतें, ये इकदाम KPK खैबर पख्तूनख्वा में करेंगे, सिंध में करेंगे? नहीं, उनको सबसे आसान और सबसे ईजी टारगेट फिर बलूचिस्तान मिलेगा। उनको फिर ये काम, ये इस तरह की हरकत करने के लिए सबसे आसान रास्ता बलूचिस्तान ही मिलेगा। तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा हो रहा है। नुकसान इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बहैसियत बलूचिस्तानी इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या हमारे लोग जो इस ऐवान में बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ कौमी असम्बली में बैठे हैं या हमारे सूबाई असम्बलियों में बैठे हैं, कभी इन्होंने इस मसले को सीरियस मसला भी समझा है? अगर समझा है
तो फिर इस मसले के हल के लिए कभी सर जोड़कर बैठें? कभी हमने वे फॉरवर्ड ढूंढा है? कभी हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है? पिछले अदवार में अगर आप देख लें, पिछले दौर में हमने हमेशा ताकत का इस्तेमाल ही किए। क्या ताकत के इस्तेमाल से हम कुछ हासिल कर सकें? अगर हम ताकत के इस्तेमाल से अपने मकासद हासिल कर सके हैं, तब तो मैं ये कहता हूँ कि मज़ीद ताकत इस्तेमाल की जाए। बल्कि ये जो आज तक ताकत इस्तेमाल हुई है, इससे कई गुना ज़्यादा ताकत इस्तेमाल की जाए। लेकिन अगर उस ताकत का कोई नतीजा नहीं निकला, मुझे खानजादा साहब मुझे बात करने दे काइंडली। खानजादा साहब अगर इस मसले को आप बहसियत कौम अगर हम इसको सीरियस समझते हैं, तो इस तरह की ये जो आपकी मिनिस्टर आ रहे हैं, मिनिस्टर पहुंच रहे हैं, अभी आने वाले हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। हम लोग हैं यार, ये तो दीवार के से आप खानजादा साहब काइंडली अगर आप मुझे सुन लें, मेरी बात खानजादा साहब, मेरी बातें ऑन रिकॉर्ड, खानजादा साहब मेरी बातें रिकॉर्ड पर आ रही हैं। मिस्टर चेयरमैन मेरी बात खानजादा साहब, चेयरमैन साहब आप मेरी आप वेट कर लें उस वक्त का, अभी आ रहे हैं मिनिस्टर। ये तो शायद तारीख में पहली मरतबा हो रहा है एक सेकंड सर, बात करने के दौरान भट्ट साहब बैठे बलूचिस्तान के सर, मुझे बलूचिस्तान के मसले पे सर देखे मैडम, ये इससे हमारी इनका कंसर्न मेरे, आप उनकी बात सुन लें। अभी मिनिस्टर आ रहे हैं, आपको मैं उनके सामने माइक दूंगा। मेरे कुलीग्स का जी, अब बस उनका मैसेज आया है कि वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। मिस्टर चेयरमैन आपको बारी देंगे उनकी मौजूदगी में, तब तक हमें आप उनकी मौजूदगी में तकरीर करेंगे इंशाल्लाह। मिस्टर चेयरमैन मैं अपने कुलीग्स के कंसर्न को अच्छी तरह समझता हूँ, जिस तरह इन्होंने कंसर्न शो किए कि मैं तकरीर कर रहा हूँ, लेकिन मैं दर व दीवार से सिर्फ बातें कर रहा हूँ। यहाँ सुनने वाला जो मुतल्लिका फोरम है या मुतल्लिका शख्स है, वो है यहाँ मौजूद नहीं है। मेरी बातें ऐसी हैं जैसे मैं सिर्फ दीवारों से बातें कर रहा हूँ। अल्लाह की रज़ा सुन रही है। दीवारों से बातें तो हम पिछले 75 सालों से बलूचिस्तान वाले कर रहे हैं सर, हम बलूचिस्तान वाले 75 सालों से दीवारों से ही बातें कर रहे हैं, और शायद कभी दीवारों से भी आवाज़ें आना शुरू हो जाए, उसका जवाब हमें मिलना शुरू हो जाए। वो फराज साहब का है, वो क्या है जी, दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है सर? हाँ बस वो दीवारें सुन रही हैं। चेयरमैन साहब दीवारों से बातें करना तो अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर वो जवाब दे दें, लेकिन अफसोस की बात है 75 सालों से कोई जवाब नहीं आ रहा सर। काइंडली चेयरमैन साहब मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें। 6-7 मिनट में से 4-5 मिनट तो ये लोग ले गए सर। बलूचिस्तान के मुतालिक सर, बलूचिस्तान के मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ सर। बलूचिस्तान इस मुल्क का तकरीबन आधे से ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल एक सूबा है। बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से, पहले भी मैं कह चुका हूँ बल्कि पूरे पाकिस्तान को ये बात पता है कि आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, लेकिन इस छोटे सूबे की जो अहमियत है, वो शायद मैं और आप और हम यहाँ रहने वाले, इस मुल्क में रहने वाले, शायद हम इतना अच्छा नहीं इतना बेहतर नहीं समझते इसकी अहमियत को, जितना बेहतर हमसे हमारे दुश्मन, हमारे दीगर ममालिक जैसे अमेरिका, इंडिया और दूसरे ममालिक, वो हमारी अहमियत को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हमारी जो बॉर्डर्स हैं, हमारा जो एरिया है बलूचिस्तान का, जिन दो ममालिक से मिलते हैं, जिन दो मुल्कों से हमारे बॉर्डर मिलते हैं, उनकी अहमियत को देखते हुए शायद हम बतौर मुल्क, बतौर कौम, उसको वो अहमियत नहीं दे पाए जो हमसे दूर बैठे हुए हमारे दुश्मन वो अहमियत दे पा रहे हैं। आज हमारे मुल्क में, आज हमारे सूबे में हमारे लोगों को इस्तेमाल करके, हमारे लोगों को हमारे दुश्मन इस्तेमाल करके, उनको दहशतगर्द बनाकर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या हम बहसियत कौम, बहसियत एक मुल्क, बहसियत एक ताकत के
उन लोगों को जो लोग हमारे दुश्मनों के हाथों में खेल रहे हैं, क्या हम उन्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या हमने कभी ये सोचा कि इन्हें इनसे हम पूछें तो सही कि इनका मसला क्या है, ये यहाँ तक पहुँचे क्यों हैं? इनको यहाँ तक पहुँचाने, उनको यहाँ तक लाने और इनको इन मकासद के लिए इस्तेमाल करने में दीगर ममालिक जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं उनके क्या मकासद हैं? क्या हम बहसियत को वो मकासद इनसे छीन नहीं सकते, इनसे हम हासिल नहीं कर सकते ये वो मकासद? अगर हम इस बारे में सीरियस हैं, अगर इस बारे में हम ये समझते हैं कि ये मुल्क, ये बलूचिस्तान और ये पाकिस्तान के तीनों सूबे एक फेडरेशन का हिस्सा हैं, तो खुदा रा मिस्टर चेयरमैन, मैं आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ कि बलूचिस्तान को अपना बलूचिस्तान समझें, बलूचिस्तान के लोगों को अपना समझें। अगर आप जिस तरह मैं कहनो के पिछले 75-77 सालों में बलूचिस्तान को आज तक आप कौम ने, मुल्क ने अपना नहीं समझा, खुदा रा अगर इसी तरह करते रहे जिस तरह पिछले दिनों हमारे बलूचिस्तान के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने ये बात कही थी, अल्लाह न करे कि मेरी ज़ुबान पे अल्लाह न करे कि ऐसी बात आए कि खुदा न खास्ता कल को हम आज के दिन को रोएंगे, कल आने वाले कल में खुदा न खास्ता हम आज के दिन को अफसोस करेंगे कि आज के दिन आज के हालात बड़े अच्छे थे, कम अज़ कम किसी से बात करने की कोई रास्ता तो था। ये ना हो कि कल को हम जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ कि कल को हम बतौर कौम एक दीवार के सामने खड़े ना हो जाएं। आज तो मैं खड़ा हूँ दीवारों से बातें करते, कल बतौर कौम हम सब दीवार के सामने खड़े होकर दीवार से सवाल करें और दीवार हमें जवाब ना दे। ऐसे हालात से बचने के लिए हमें आंखें खोलनी चाहिए, ऐसे हालात से बचने के लिए हमें बतौर कौम सच बोलना चाहिए। खुदा रहा 75-77 सालों में इस कौम के साथ जितना झूठ बोला गया, माजरत के साथ अल्फाज मेरे बड़े सख्त हैं, जितना झूठ बोला गया है, खुदा रा इस झूठ को ख़त्म करें, खुदा रा इस झूठ को, इस रवैये को ख़त्म करें, बलूचिस्तान को अपना समझें। अगर आप बलूचिस्तान को अपना समझेंगे तो चेयरमैन साहब मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये एक बलूचिस्तान जिस पर तमाम दुनिया की नज़रें हैं, हमारी दुश्मन कौमों की उस पर नज़रें हैं, ये नज़र अगर हम उस पर रखें तो इंशाल्लाह मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि ये बलूचिस्तान आपको, पूरे पाकिस्तान को आने वाले 100 सालों तक आपको रोज़गार भी देगा, आपको आपकी वजूद को भी कायम रखेगा और आपके आने वाले वक्त को रोशन भी करेगा, अगर इस बलूचिस्तान को आप थोड़ा सा अपना समझकर इसको अपना लें। सर आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू बंदो खेल साहब।